आज का महानगर में आपका स्वागत है। हाल ही में बदलापुर के स्कूल में हुए नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में किस प्रकार बदलापुर में तनाव की स्थिति बनी थी, आक्रोशित लोगों ने किस प्रकार आंदोलन किया था, स्टेशन पर उतरकर ट्रेन रोके थे, पुलिस के साथ झड़प, पूरी खबर हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें अक्षय शिंदे नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ केस चल ही रहा था, उतने में मुंब्रा कौसा बाईपास के पास अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया है, ऐसी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अक्षय शिंदे की पूर्व पत्नी ने उस पर कुछ अप्राकृतिक यौनाचार्य का आरोप लगाया था, तो उसी के जांच के लिए अक्षय शिंदे को बदलापुर पुलिस द्वारा तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। परंतु सोमवार शाम के वक्त मुंब्रा बाईपास के पास अक्षय शिंदे द्वारा पुलिस की बंदूक छीनकर एपीआई नीलेश मोरे पर हमला किया गया, जिसमें एपीआई नीलेश मोरे के पैर में गोली लग जाती है। उतने में ही सीनियर पीआई संजय शिंदे बचाव में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाते हैं, जिसमें से एक गोली अक्षय शिंदे के चेहरे पर और दूसरी गोली उसके शरीर पर लगी, ऐसा बताया जा रहा है। फिर कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाने तक अक्षय शिंदे की मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। तो पूरा ये पुलिस द्वारा बताया गया एनकाउंटर की खबर है, परंतु हमारे पास जो जानकारी पहुंची है उससे इस पूरे एनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये एनकाउंटर है या मर्डर, तो हमारी आने वाली खबर में इसका पूरा खुलासा करेंगे। ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। इस समय उसने पुलिस की बंदूक छीन कर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, जवानों ने गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। सवाल